श्री राम मंदिर शास्त्रीपुरम का ये भव्य दिव्य मंदिर जहाँ पे साक्षात पद्मनाभ स्वामी लक्ष्मी नारायण और दशावतार साक्षात हनुमान गरुड़ और पूरा राम दरबार सिर्फ तेलंगाना में ऐसा एकमेव मंदिर है पूरे तेलंगाना में This is the only one temple which has entire Rama Darbar, which has entire Dashavatar, which has Padmanabh Swami, Vishnu, Mahavishnu Avatar, and Shri Rama Sita. Telangana mein sabse important cheez, the most important thing what Telangana Vasis have to learn. Is real bhakti. This is not bhakti. Bhakti comes with anushasan. Bhakti comes with discipline. This is not discipline. These are not Rama bhaktas. जो राम भक्त है वो है हनुमान वहां पे हनुमान है ना इज वेटिंग फॉर रामा फ्रॉम सतयुग टिल कलयुग श्री हनुमान राम भजन में इतने मग्न इतने कॉन्सेंट्रेट हो गए उनको पता नहीं चला कि कब तीन युग चले गए इतनी शुद्ध राम भक्ति है और आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे वीवीआईपी प्राइम मिनिस्टर है जैसे आपको किधर जाना है आपका फ्लाइट है राम की भक्ति नहीं है आप लोग में आप लोग सिर्फ एग्जीबिशन के लिए आए हैं जो सचमुच राम भक्त होता उधर 10 घंटा क्या 1000 घंटा में बैठ सकता है आप लोग इधर क्यों आ रहे हैं राम मेरा जॉब लगा दो मेरा पास कर दो मेरा मैरिज कर दो इसके लिए आप आ रहे हैं राम के लिए कोई नहीं आया है यहाँ पे अगर आप सचमुच राम के लिए आए हो तो राम राज्य निर्माण करोगे राम राज्य ये अनुशासन का पार्ट है राम राज्य इज ऑल अबाउट अनुशासन एंड सुशासन All the Vasis of Rama Rajya have great discipline, have great guna of Shri Rama. हम सिर्फ दर्शन ले रहे हैं एक सेकेंड का एक मिनट का और भाग जा रहे हैं उस राम को ऑब्जर्व करो इस राम में कौन से गुण है वो गुण पिकअप करो उन गुणों का अनुसरण करो तब आप श्री राम जैसे बनोगे नहीं तो आप साक्षात रावण जैसे बनोगे आपको क्या बनना है लाइफ में वो डिसाइड करो आपको रावण बनना है या श्री राम बनना है वो निर्णय करो डिसाइड करो क्या बनना है आपको पक्का एक दिन का राम और बाकी दिन आराम बस आप सब लोग एक दिन के राम है ओनली वन डे रामा नो वी नीड 365 24/7 रामा राम मतलब साक्षात पूर्ण भारतवर्ष राम मतलब न्याय राम मतलब एक निष्ठा ब्रह्म निष्ठा एकाग्रता मतलब श्री राम के हाथ में क्या है श्री राम के हाथ में क्या है धनुष और बाण हम लोग क्या बोलते हैं राम बाण राम बाण इलाज इसका कोई इलाज नहीं है एक बार राम बाण छोड़ दिया तो वापस वो रिटर्न नहीं आता है मतलब हम लाइफ में जो भी काम करेंगे वॉट एवर वर्क वी डू वी हैव टू डू इट लाइक श्री राम राम की निष्ठा अपनी पत्नी के लिए कैसी है एक निष्ठा एक पत्नी एक वचनी अगर आपकी कोई पत्नी गुम हो जाती आप ढूंढने जाते श्री राम का वनवास कितना बड़ा है उस पत्नी के लिए उस धर्म पत्नी के लिए व्याकुल होते होते कहां कहां जंगल में वन वन में पूरा दंडक अरण्य में ढूंढते ढूंढते फाइनली वो श्रीलंका तक पहुंचे एक दिन का काम है क्या राम बनना इज इट वन डे वर्क नो वनवास कितने साल का था 14 साल 14 साल आप 14 मिनट इधर शांति से नहीं बैठ सकते
14 साल का पेशेंस श्री राम भगवान से आप सीख लो। कितने साल का? 14 साल। आप 14 दिन वन में रह के दिखाओ, विदाउट एनी फैसिलिटीज, विदाउट एनी टॉर्च, विदाउट एनी मोबाइल फोन, विदाउट एनी रिसोर्सेस, आप उस वन में 14 दिन या 14 मिनट बिता के दिखाओ। वो देखो सेल्फी में लगे पड़े वो लोग। सी शेमलेस पीपल, वेरी वेरी शेमलेस। और हम लोग राम बनने जाने वाले हैं, ऐसे राम बनेंगे। देखो ना, सी पीछे देखो आप लोग के दो ऑरेंज कलर के लोग, देखो शेमलेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण आज मैं इस मंच से देता हूं, कभी भी कोई भी हिंदू भगवान को पीठ मत दिखाओ। Do not show your back to the God. What great mistake you all are doing, you know? आप सेल्फी ले रहे हो ना, भगवान को पीठ दिखा रहे हो, that is महापाप। मैं भी खड़ा हूं, मैं एक पैर से खड़ा हूं, भगवान को पीठ नहीं दिखा रहा हूं। जो व्यक्ति भगवान को पीठ दिखाते हैं, it is considered as महापाप। We all are busy only in taking selfies. लास्ट में जीवन के अंत में उसी फोटो में रहने वाले आप लोग, उसी फोटो में माला लगने वाला है सेल्फी वाला। ये फोटो जो है ना आपके हृदय में रखो, श्री राम जो है आपके हृदय में निवास करने चाहिए। जब अयोध्या विजय हो गया, जब श्रीलंका विजय हो गया, जब सीता माता श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब लोग अयोध्या पहुंचे, तो सभी लोग को एक 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 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। श्री हनुमान को भी एक प्राइज सीता माता ने दिया कि सबसे बड़ा अगर कॉन्ट्रीब्यूशन सीता माता को रेस्क्यू करने का है वो श्री हनुमान का है। तो साक्षात मोतियों की माला सीता माता ने हनुमान को दी। हनुमान ने क्या किया आपको सबको पता है, एक 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 बेल को तोड़ तोड़ के देख रहे कि इसमें मेरे श्री राम और सीता माता है क्या। सब लोग हंसने लगे, क्या मूर्ख वानर है ये, इसमें क्या कर रहा है, इतनी बड़ी बहुमूल्य माला ये फोड़ फोड़ के देख रहा है, क्या कर रहा है। तो हनुमान बोले मैं इसमें मेरे साक्षात श्री राम और सीता माता को ढूंढ रहा हूँ। आई एम फाइंडिंग माई मदर सीता एंड भगवान श्री राम इन दिस मोतियम। भगवान कहाँ पे है इस मूर्ति में है, सिर्फ मंदिर में है? भगवान का मेन स्थान कहाँ पे है? सर्वत्र है ना, बट भगवान का मेन स्थान इस सिंहासन में है, इस हृदय आसन में है। भगवान का मेन मंदिर इज इन योर हार्ट। वेयर इज द मेन टेंपल ऑफ श्री रामा? इन योर हृदय, इन योर हार्ट। इज भगवान देयर इन योर हार्ट? इज इट ट्रूली देयर? दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड टू श्री हनुमान। हनुमान आपके हृदय में श्री राम है क्या? दिखाओ है तो, ये क्या मोतियों में ढूंढ रहे हो? सो हनुमान विदाउट थिंकिंग इवन फॉर वन सेकेंड, हनुमान जी एक सेकेंड भी सोचे नहीं और ही ओपन हिज चेस्ट, अपना हृदय फाड़ के दिखाया, देखो मेरे हृदय में कौन है, आई हैव द इमेज ऑफ श्री राम एंड श्री सीता माता। आज हमारे हृदय में कौन है? है? डू वी हैव? वी हैव टू फाइंड इट, वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। ये आत्म परीक्षण का विषय है। आज हमारे भारत देश में कितने सारे ऐसे रावण हैं, कितने सारे ऐसे दुष्ट लोग हैं, भारत के बहुत सारे दुश्मन हैं, सिर्फ पाकिस्तान या इतर देश नहीं है, भारत के अंदर भी रावण छुपा है। बट हम सब में भी एक रावण है, वो अहंकारी रावण है। उस रावण का जब हम वध करेंगे, उस रावण का जब अंत करेंगे, तभी हम श्री राम को हमारे अंदर पाएंगे। Only then we will be able to find Shri Rama inside us. We have to end the Ravana characteristics. We have to end the Ravana attitude. We have to end the Ravana behavior. How you will end Ravana inside you? We have to end the ego. Ram aur Lakshman, dekho kitne sundar bhai hai. Aise bhai hai kya aaj hamare Hinduon mein? Nahi hai. इसके घर में अगर 50 इंच का टीवी है तो मैं 55 इंच का टीवी खरीदूंगा।
उसके घर में 55 इंच है तो आई विल परचेज 60 इंच. दिस इज हैपनिंग इन तेलंगाना. योर ओन स्टोरी. इफ ही इज सक्सेसफुल आई विल पुल हिज लेग डाउन. ऐसे ब्रदर्स हैं राम और लक्ष्मण. देखो कैसे सुंदर भाई है. 14 साल का वनवास श्री राम को मिला था, लक्ष्मण को नहीं मिला था. बट लक्ष्मण क्या बोले, भैया मैं भी आपके साथ आऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा उस वनवास में. आज हमारे भाई ऐसे हैं. जब कोई हिंदू संकट में होता है रोड पे, जब कोई हिंदू के ऊपर आक्रमण होता है मुस्लिम या क्रिश्चियन लोगों से, क्या हम उस हिंदू की मदद करने जाते हैं? तब हमारे अंदर का लक्ष्मण कहाँ है? हमारे अंदर का लक्ष्मण मर गया है. द लक्ष्मण इनसाइड अस हैज डाइड आउट. वेयर इज द लक्ष्मण इनसाइड यू? फाइंड आउट दैट लक्ष्मण. Do we have that Lakshman alive inside us? Find out. Do we have the characteristics of Shri Hanuman? No. The women are not safe. In Rama Rajya, in Swarajya of Chhatrapati Shivaji Maharaj, which is the ideal of Shri Rama Rajya, which is a replica of Shri Rama Rajya, women are respected like Sakshat Bhavani. हर स्त्री को साक्षात भवानी के जैसे हम देखेंगे. ये रामराज्य का प्रिंसिपल है, ये रामराज्य का रूल है. क्या हम स्त्री का गौरव करते हैं? जब साक्षात पार्वती माता राम भगवान का टेस्ट करने के लिए आए, सीता का रूप लेके आए, साक्षात पार्वती माता श्री राम भगवान का टेस्ट करने के लिए सीता माता का रूप लेके आए, और पता है राम भगवान क्या बोले? माता आप तो जगत जननी हो. सी द क्वालिटीज ऑफ रामा. जब सुर्पणखा रानी सुर्पणखा जब वहां पे आई, शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन. बट डिड राम लीव सीता एंड मैरिड सुर्पणखा? Are we dedicated and honest to ek patni, ek vachni? Nahi. How many of you are dedicated, really dedicated and honest and loyal to your own life partner? Kya hum Ram se idhar darshan karke kuch nahi hoga? Idhar ek minute ka darshan karke aapko Ram kabhi bhi prapt nahi honge. Ye main bolta hun. Ab jab Ram jaise banoge, when you will become like Rama, then only Rama is going to come and help you. You are only one day Rama follower. We want 365 Rama followers. We want 365 24/7 Rama followers. Duniya mein Chiranjeevi kitne hain? How many Chiranjeevis? I'm not talking of actor Chiranjeevi. I'm talking of real Chiranjeevi. Kitne hain? Saat. Unmein se राम के पास वाले कौन कौन है? विभीषण और हनुमान. क्यों है चिरंजीवी? चिरंजीवी क्यों है? शिवजीवी परम चिरंजीवी है. शिव भगवान रुद्रेश्वर महादेव इस परम अमर महादेव. वाई वाई हनुमान को शक्ति कहां से मिलती है? शिवजी. नहीं, हनुमान को शक्ति कहां से मिलती है? श्री राम की भक्ति से. भक्ति कैसे करें? एक सखा जैसे, एक मित्र जैसे, एक दास जैसे, पूरा सरेंडर, शरणागति करके, सेवा करके. ये अलग अलग नवधा भक्ति है. हनुमान को शक्ति मिलती है राम इस शब्द से, राम नाम जप से. आपको वर्णमाला तो सबको आती रहेगी ना, अ आ इ ई क ख ग घ तक, संज्ञा तक. रा म र प्लस आ प्लस म, कितने शब्द हैं? दो. एक्चुअली तीन. र प्लस अ प्लस म. र वर्णमाला में कौन से क्रमांक पे है? ऑन व्हाट क्रमांक र इज देयर? 27. A 2. M 25. 27 plus 2
108. हमारे माला में कितने बीज है? 108. हमको जप कितना करना है? 108. मैं आपको एक इजी ट्रिक बताता हूँ, 108 का जप करने का फटाफट ट्रिक. हम रोज सुबह मिलते हैं ना एक दूसरे को, हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, खत्म. वो भी खत्म हो गया. वो क्यों खत्म हो गया? अभी एक आदमी खत्म हो गया ना रिसेंटली, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, मुझे नाम भी नहीं पता. वो खत्म हो गया बिकॉज राम नहीं है. वो क्या बोलता है? राम भगवान नहीं है. बट देखो वो खुद टाटा बाय बाय खत्म हो गया. सो सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है 108 जप करने का? बेस्ट ट्रिक क्या है? हमको क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोलना है? नहीं, राम राम. क्या बोलना है? राम राम, राम राम, राम राम, राम राम. कैसे हैं आप? राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट. ये हमारी संस्कृति नहीं है, वो तो हमेशा गुड ही होगा. बट राम बोलने से और अच्छा और गुड हो जाएगा. हमें क्या बोलना है? राम राम. राम राम बोलने से क्या होता है? 108 न्यू टाइम यदि जप हो जाएगा, राइट? तो ऐसे राम राम आप हजार बार बोलो पूरे दिन में. आपके कोई मित्र बोले राम राम, उसको टाटा बोलना है राम राम. कैसे हो? राम राम. अच्छे हो? खाना खाया? राम राम. बोल सकते ना? सिर्फ राम राम बोलने से 108 टाइम्स जप हो जाता है. आपको कितना जप करना है पूरे दिन में? आप हजार कर सकते हो, लाखों टाइम कर सकते हो. सिर्फ क्या बोलना है? राम राम, राम राम. रा इस तत्व में अग्नि तत्व है, रा इस शब्द में अग्नि तत्व है, म में मनस तत्व है. अग्नि क्या करती है? हर चीज को शुद्ध करती है. अग्नि में आप कुछ भी चीज डालो वो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा, नहीं तो शुद्ध हो जाएगा. तपस्या, तप, तप से क्या होता है? शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा. गोल्ड ना, आप सब लोग बंगारू गोल्ड पहना है ना, वो गोल्ड कैसे बनता है? आपके गले में गोल्ड है ना, गोल्ड का रिंग्स, ब्रेसलेट, चेन, हाउ गोल्ड फॉर्म्स? यू हैव टू बॉइल इट 24 आवर्स 365 डेज फॉर 1122 ईयर्स, तब गोल्ड तपने लगता है. तप, वो तपने से शुद्ध होने लगता है. क्या होने लगता है? इट बिकम्स प्यूरिफाइड 24 कैरेट्स बाय कंटिन्यूअस तप. तो उस गोल्ड के जैसे हमको तपना है. वो तप कैसे करेंगे? राम 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 राम. राम बोलने से अग्नि तत्व उत्पन्न होता है. देयर वॉज वन एक्सपेरिमेंट, लैक्स ऑफ पीपल केम टुगेदर एंड दे चैंटेड रामा एंड द वुड स्टार्टेड बर्निंग. दैट इज द पावर ऑफ राम नाम. What happened with Vibhishan and Hanuman? They get their siddhis from Ramanama. Okay. Ratnakar, Daku Ratnakar, thief Ratnakar, pata hai na? Jisne Ramayana likha, wo kaun tha? Valmiki Maharshi. Valmiki Maharshi. Kaun se caste ka tha? You don't know. Hai na? Koi caste tha? Ramayana koi Brahman ne likha hai? महाभारत में ब्राह्मण ने लिखा है? फिर इतना विद्वान कैसे? राम नाम जपने से. इतना शक्ति, वैदिक शक्ति, वैदिक बुद्धि कहां से आया? राम नाम जपने से. नारद मुनि जब पहली बार रत्नाकर को मिले, उसको पता था ये राम नाम नहीं जपेगा, इसको मरा मरा बोलो. He started chanting मरा 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 राम 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 राम. वो राम राम जपने से उसको इतनी बुद्धि मिली. राम तब एग्जिस्टेंस में भी नहीं थे. उसके पहले नियरली 67 ईयर्स बिफोर ही रोट एंटायर रामायण. वाल्मीकि महर्षि ने संपूर्ण रामायण लिखा. सो सबसे बड़ी महिमा क्या है इस रामायण की? राम नाम. क्या है? राम राम नाम.
अगर आपको डर लगता है, भय लगता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनो। महावीर कौन है? महावीर कौन है? इट इज राम। महावीर हनुमान है, बट वो हनुमान को पावर कहां से मिलता है? राम नाम से। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर मीन्स राम नाम जब सुनावे। तो राम नाम का जो निरंतर जप करता है उसको भय, दुख, दारिद्र, शोक कुछ नहीं होगा। तो हम सबको क्या करना है? एवरी सैटरडे वी विल कम हियर इन द सेम नंबर। व्हाट वी विल डू, यू हैव टू टेक अ प्रॉमिस इन फ्रंट ऑफ राम। आप सभी को एक शपथ प्रतिज्ञा लेना है। सब लोग हाथ ऊपर करो और राम को प्रतिज्ञा लो, राम का संकल्प लो। मैं एवरी सैटरडे हर शनिवार को इस मंदिर को आऊंगा और राम नाम 108 नू टाइम दी राम नाम हम सभी लोग जप करेंगे। एक टाइम फिक्स करेंगे, वी विल फिक्स वन टाइम इन मॉर्निंग 6 o'clock, 7 o'clock, सम टाइम। उसी टाइम पे हम सभी लोग आएंगे। हम सभी लोग को दो व्यक्ति से सीखने के लिए बहुत है। मुसलमान कब जाता है? एवरी फ्राइडे। क्रिश्चियन? एवरी संडे। ओके, वो बोलता है क्या, अरे आज मेरा ना ऑपरेशन है, आज मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, आज मेरा इंटरव्यू है, आज मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे बोलता है क्या? नहीं, फर्स्ट फर्स्ट गॉड देन एवरीथिंग। तो हम लोग के लिए फर्स्ट क्या है? रामा। फर्स्ट क्या है? रामा। लाइफ नेक्स्ट फर्स्ट रामा, लाइफ नेक्स्ट फर्स्ट रामा, लाइफ नेक्स्ट। लाइफ किसके लिए जी रहे हैं? उस राम के दर्शन के लिए लाइफ मिला है। ये लाइफ क्यों मिला है? ये लाइफ क्यों मिला है? राम के दर्शन के लिए लाइफ मिला है। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर वेस्टिंग दिस लाइफ, वी आर वेस्टिंग दिस लाइफ। ये लाइफ मिला है श्री राम के दर्शन के लिए। तो हम क्या करेंगे? एवरी सैटरडे वी विल कम हियर एंड वी विल डू नो टाइम नीदी जप। सब लोग प्रतिज्ञा लो। मैं, व्हाट इज योर नेम? टेल योर नेम, वट एवर योर नेम इज। I promise Shri Rama, I will come every Saturday. मैं हर Saturday को इधर आऊंगा और मैं new time दी times Shri Rama नाम जप करूंगा। Promise? Promise is पक्का promise। सिर्फ राम नाम जप करने से हनुमान एक second में इधर आता है और आपका रक्षण करने लगता है। विभीषण का रक्षण हनुमान ने किया, क्यों? राम नाम जप रहे। राम नाम जप रहे थे। पूरा लंका हनुमान घूम रहे, अभी इस लंका का दहन करना है, देखना है इधर कोई है क्या राम भक्त। एक रूम से आवाज आ रहा है, श्री राम श्री राम श्री राम। वो है विभीषण, श्री राम नाम विष्णु की पूजा कर रहा है। इसके लिए विभीषण चिरंजीवी है। तो आपको अगर चिरंजीवी बनना है, हनुमान के जैसे पावरफुल बनना है, तो ब्रह्मचार्य का पालन करो। हनुमान के जैसे पावरफुल बनना है, स्वामी विवेकानंद का जैसा स्ट्रांग फोटोजेनिक मेमोरी चाहिए, तो हमें क्या करना है? अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। ऑल यंग बॉयज हु हैव नॉट मैरिड शुड डू अखंड ब्रह्मचार्य। इधर आके दर्शन करके कुछ नहीं मिलेगा, ये आरती करके पूजा करके 2 मिनट का है ये टाइम पास, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। इधर आके सूर्य नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार, एटलीस्ट 12 सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार क्या है पता है? ऑल बॉयज मस्ट नो सूर्य नमस्कार। बल बुद्धि विद्या देहू। हम हनुमान को क्या बोल रहे हैं? बल बुद्धि विद्या। भारत बलशाली कब बनेगा? जब भारत के पास बल बुद्धि और विद्या जब प्राप्त होगा, तब भारत विश्वगुरु बनेगा। भारत विश्वगुरु कब बनेगा? जब भारत के पास तीन चीजें। बोलो, इधर के पिकनिक के लिए नहीं आए? बल बुद्धि विद्या। बल कैसे प्राप्त होगा? सूर्य नमस्कार करने से। सिर्फ दर्शन करके आरती करके कुछ नहीं मिलेगा, राम भी सेटिस्फाई नहीं होगा उससे। मैं बल की साधना करूंगा, मैं सूर्य नमस्कार करूंगा, मैं 108 सूर्य नमस्कार करूंगा, 108 दंड बैठक करूंगा। ये करने से बल प्राप्त होगा। शुद्ध आचरण करने से, ब्रह्मचार्य का पालन करने से, भगवद गीता पढ़ने से अच्छी बुद्धि प्राप्त होगी। अच्छा सीखूंगा, अच्छा बोलूंगा, अच्छा देखूंगा, इससे शुद्ध बुद्धि प्राप्त होगी।
तो सभी पुरुष, बहुत सारे लोग फोन पे कुछ तो देखते हैं ना, गंदा चीज वीडियो देखते हैं ना आजकल, इट्स वेरी इजी टू सी समथिंग। स्वामी विवेकानंद का मेमोरी फोटो के जैसा है, एक फोटो क्लिक किया पूरा का पूरा पैराग्राफ उनको याद है। एक बार वो लखनऊ की लाइब्रेरी में गए थे तो उन्होंने एक एनसाइक्लोपीडिया मांगा, इतना बड़ा बिग फैट एनसाइक्लोपीडिया। लाइब्रेरी में बोले अरे इतना बड़ा एनसाइक्लोपीडिया कैसे पढ़ेगा। He was reading the encyclopedia in 1 second, very fast. And this sharp memory can only come by brahmacharya. बहुत सारे पेरेंट्स स्वामी जी को कंप्लेंट करते हैं कि मेरा बेटा स्टडीज में वेरी वीक, माई चाइल्ड हैज नो कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज ही हैज नो ब्रह्मचार्य। इफ यू प्रैक्टिस ब्रह्मचार्य यू विल हैव रेजर शार्प मेमोरी। एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेजर शार्प मेमोरी इज अवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। सो आप बोर हो रहे हैं शायद, आपको खाना खाना होगा, बट राम के लिए टाइम नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट एवरी सैटरडे ऑल माय हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड मदर्स दे शुड कम ऑन एवरी सैटरडे हियर। सभी हिंदू भाई बहन और मेरी प्रिय माता, हर एक शनिवार को इधर सुबह 7 बजे आना है और श्री राम नाम का जप करना है। कौन सा जप करेंगे? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इतना करने से हनुमान चालीसा में क्या बोला है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर मतलब श्री राम का, जब महातपस्वी श्री राम का जब हम नाम लेंगे ना, इधर जो आजू बाजू में सराउंडिंग में भूत पिशाच है ना, वो भी भाग जाएंगे एक दिन, है ना। सो हमको क्या करना है? राम नाम का जप करना है। तो जितने भी भूत पिशाच इस भारत में आए हैं 800 साल से, अभी भी है हमारे आजू बाजू में है, वो भी भाग जाएंगे एक दिन। कैसे? प्रेम से। कुछ नहीं करना है, फोर्स नहीं लगाना है, नहीं मारना है, गंदा बात नहीं करना है, सिर्फ राम नाम जप करने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये प्रॉमिस किया है आप सब लोग ने, प्रॉमिस इज प्रॉमिस, और मेरे से नहीं किया है, राम भगवान से किया है, इस प्रॉमिस को निभाना। ओके पक्का? आप ओरिजिनल मर्द है ना, मर्द को क्या बोलते हैं तेलुगु में? मगड़ू। नहीं नहीं, ओरिजिनल मेन क्या बोलते हैं? मगड़ू। ओरिजिनल मगड़ू पक्का ना, ओरिजिनल है ना, डुप्लीकेट नहीं है ना, डिफेक्टिव माल नहीं है ना इधर, ओरिजिनल ओरिजिनल मेन है ना 100%। हाँ, चर्च में एक आदमी होता है, उसको क्या बोलते हैं लोग जाके? फादर। फिर आपके घर में कौन है? आपके घर में भी एक आदमी है ना, वो भी फादर है ना। कैसे? एक फादर है या आई डोंट नो। सो वी शुड नॉट गो टू एनी चर्च बिकॉज वी ऑल हैव ओनली वन फादर एंड दैट फादर इज शिवा, परम शिवा। एंड वी हैव अवर बायोलॉजिकल फादर इन द हाउस, सो वाई शुड वी गो एंड कॉल समबडी फादर और मौलाना और वॉट एवर, इज इट नीडेड? सो जितने भी मेरे हिंदू भाई है बहन है जो क्रिश्चियन बन रहे हैं ना, उनको स्लोली स्लोली इधर मंदिर में लेके आओ और श्री राम नाम जप करो। उसके अंदर अगर शैतान है ना, आजकल वो लोग पास्टर लोग बोलते हैं इसके अंदर शैतान है, सैटन है। अरे सैटन है तो हमारे मंदिर में लेके आओ, हम सभी लोग मिलके हनुमान चालीसा बोलेंगे, उसका शैतान क्या भूत भी निकालेंगे। इट्स वेरी इजी। जो दरगाह जा रहे हैं ना, दरगाह के अंदर पता है क्या है? उसके अंदर क्या है पता है? आइदर तो बॉक्स होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, या फिर उसके अंदर एक डेड बॉडी होगा। वो किसका डेड बॉडी है? हम लोग हिंदू लोग क्या करते हैं? डेड बॉडी को जला देते हैं। हम डेड बॉडी का पूजा करते हैं क्या? नहीं। बॉडी में कुछ है क्या? नहीं है। शक्ति किस में है? आत्मा में। आत्मा कभी मरता है? हम किसकी पूजा करते हैं? आत्मा, आत्मा राम। किसकी? आत्मा राम। वो लाश की कौन पूजा करेगा? दोनों अब्राहमिक रिलीजन लाश की पूजा करते हैं,
पूजा भी नहीं बोल सकते, पूजा तो अच्छा शब्द है, लाश की मानते कुछ तो करते हैं, आई कांट से बिकॉज आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। जितना वो मेरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं मैं भी उनके रिलीजन को उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ, जितना वो मेरे राम को मानते हैं मैं भी उनके भगवान को उतना ही मानता हूँ। सो आई ऑल्सो रिस्पेक्ट देम दैट मच, हाउ मच दे रिस्पेक्ट माई श्री रामा, एम आई राइट? बस सो आई विल रिस्पेक्ट देम दैट मच, उतना ही रिस्पेक्ट करूंगा जितना वो मेरे राम को रिस्पेक्ट करते हैं। ओके ये सर्व सर्व धर्म समभाव वगैरह इट्स अ बोगस, उस पर बिलीव मत करना। Only focus on one God, that is Parmeshwar. Parmeshwar has many rupa. He has Shiva, Rama, Devi, Durga, Bhavani, Ganapati, Kartikeya, Vishnu, Narayan. ये सब परब्रह्म के अलग अलग रूप हैं। आप सब लोग अलग 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 रूप हैं ना? भगवान आपके अंदर है, आप अलग हैं मेरे से? नहीं। आप अलग हैं मेरे से? नहीं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब बोगस है। ये सब फॉरेनर्स कास्ट सिस्टम इस भारत में आए। भारत के एक भी धर्म शास्त्र में, एक भी वैदिक शास्त्र में कोई कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा नहीं है। हम सब कौन है? हिंदू। हम सब कौन है? हिंदू। हमारी पहचान क्या है? एक ही पहचान है, हम राम भक्त सनातनी आर्य वैदिक सनातनी हिंदू है। यही हमारे एक ही आइडेंटिटी। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं भारत देश से, राम के भारत देश से आया हूँ और मैं गर्व से बोलता हूँ मैं बस। और कोई कास्ट फास्ट ये सब नहीं है, इंटू पेरू बिंटी पेरू भी कुछ भी नहीं है, ओनली वन इंटू पेरू दैट इज हिंदू। ओके जय श्री राम, जय श्री राम। एवरी सैटरडे और नेक्स्ट सैटरडे इधर प्रसाद मिलेगा। Every Saturday, one person has to sponsor prasadam. Every Saturday, one Hindu person has to sponsor prasadam 400, 500 or 100. That is the responsibility of mard. Mard ko kya bolte hain? Manishi. That is the responsibility of Manishi. Okay. Promise. Every Saturday. That's why we consider you that as you must be having church father and no, we have only one father, then you will come here. Okay? Jai Shri Ram! Jai Shri Ram!